पूरे विश्व में हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाले फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर दुनिया भर में आज का ये दिन नर्सों को समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर पुणे शहर में सेवा देने वाली कई नर्सों को आज सम्मानित किया गया। पुणे जिला प्रशासन की ओर से उनकी सेवा की सराहना की गई और साथ ही उनका योगदान सबसे ऊपर और महत्वपूर्ण है। ऐसा होने से लोगों को कोरोना महामारी से लड़ने में आसानी हो रही है। ऐसे में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर गुलाब का फूल देकर उन्हें सम्मानित किया गया। विभागीय आयुक्त ने सभी सरकारी अस्पताल में काम करने वाली नर्स का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि सभी डॉक्टर्स नर्स का योगदान सबसे श्रेष्ठ है। कोरोना मुक्ति की इस लड़ाई में ये वॉरियर्स का महत्वपूर्ण योगदान है। उनका ये योगदान कभी भुलाया नहीं भूलेगा। साथ ही सभी डॉक्टर्स और नर्स को सेवा और समर्पण की कसम दिलाई गई। पुणे के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स दिन रात मेहनत और लगन से अपने काम में जुटे हैं। कोई अपने घर 15-15 दिन बाद जा रहा है, ये सब सराहनीय है। इस वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है, तो स्वास्थ्य कर्मी ही एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हुए हैं। दिन रात बिना अपनी परवाह किए स्वास्थ्य कर्मी मरीजों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर्स के सुझाव पर सभी बड़े अस्पताल में काम करने वाली नर्स मरीजों की देखभाल कर रही हैं और उनके अंदर इस भावना को भी जगा रही हैं कि वो जल्द से जल्द इस महामारी से ठीक हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीएसआरएस न्यूज़, पुणे।